देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ए स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू ए स्पॉट ऑन ए रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट, यानी एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द डाटा। जो भी है स्टूडेंट गाड़ियों का आना जाना जो है नोट करता है, और हमें फाइंड क्या करना है, जो इन्होंने नोट डाउन किया उसमें से मोड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। तो बहुत बढ़िया, बहुत आसान, बहुत सिंपल। कितने ब्लॉक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 के लिए अगर हम नेक्स्ट पेज में चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलिए। ओके, चलिए नंबरों को देख लेते हैं। 0 to 10, 10 to 20 और लास्ट है 80 तक। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। पढ़ना है बेटा, बोर नहीं होना है। ठीक है, देखिए जहाँ पर चीज़ों से अब लग रहा है कि सिमिलर चीज़ें आ रही है, आप थोड़ा सा आलस दिखाओगे तो गलती कर दोगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए, ये हो गया। बहुत एक्टिव लर्निंग प्रोसेस होता है। क्या होता है? बहुत एक्टिव होता है। ठीक है, ज़रूरत होती है हमें एक्टिव रहने की। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसीज क्या है ये देख लेते हैं। 7 14 13 12, 7 14 13 12, 7 14 13 12, thereafter 20 11 15 8, 20 11 15 8, 20 11 15 और 8। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, हमें मोड फाइंड करना है। क्या करना है? मोड फाइंड करना है। तो मोड के लिए क्या करते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या करते हैं? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। तो आप यहां पर देख सकते हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज क्या है बच्चे, ये रहा बेटा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, जो मोड क्लास हुआ वो क्या हो गया हमारा, मोड क्लास इक्वल्स टू 40 50। क्या हो गया? 40 50। डन, क्लियर है। और नेक्स्ट इससे आगे जो एल है इसके लिए क्या हो गया, यहां भी सारी चीजें लिख देते हैं। एल इक्वल टू दिस F0 F1 F2। तो जो एल है वो क्या है हमारा, 40 है। उसके बाद जो F0 ये हो गया हमारा 12। जो F1 है 20, जो F2 है क्या है 11 है, और जो H है बच्चों ये H क्या है हमारा 10 है। बस सारी चीज़ें मिल गई, हैप्पी। मोड क्लास भी पता चल गया, सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोड इक्वल्स टू, मन में बोलते रहिए, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। डन, इनकी वैल्यू रखने पर जो L है ये दिस इज 40, F1 इज 20 माइनस F0 इज 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11, एच इज 10। बस सॉल्व करने का काम है बेटा। देखिए 40 हो गया, क्या करेंगे, 20 माइनस 12 8, ये क्या हो गया 40, और 12 माइनस 11 सेम साइन क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाएंगे। तो क्या बन गया ये,
23 क्या बन गया, 23 इंटू 10 ओके 40 प्लस 8 अपॉन, इसको माइनस कीजिए, 40 से माइनस 23 कीजिए क्या हो जाएगा, 7 प्लस 10 यानी 17, तो क्या कर दिया हमने इसको 17 इंटू 10। चलो तो मोड इक्वल्स टू 40 प्लस ये क्या हो गया 80 अपॉन 70। अब भरा लास्ट का बेसिक सा काम रह गया है कि 80 को 17 से डिवाइड करोगे, किससे करोगे 17 से डिवाइड करोगे और 40 में ऐड कर दोगे। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 17 4 जा 68, ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, पॉइंट दिया 0 आया, 17 5 जा 85, 6 जा 102, 17 7 जा 119 ओके यस। चलिए क्या हो गया, फिर ये 4.7 रहने दो। अब मोड इक्वल्स टू 40 प्लस 4.7, दिस इज क्या हो गया 44.7, ये क्या है मोड क्लास है, क्या है मोड क्लास है, मोड क्लास ये है, क्या हो गया मोड है, ठीक है डन। चलिए तो इस तरीके से ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो क्या था मोड का एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपको, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम पिद्दी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, फ्री के नंबर है, किसके नंबर है, फ्री के नंबर है, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सा है 14.3, किसके लिए है, मिड इयर के लिए, लेकिन करेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में।